हरे कृष्णा। भगवान गणेश जी की पूजा हर घर में की जाती है। गणेश जी को बुद्धि और समृद्धि का देवता माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश ने एक स्त्री रूप भी धारण किया था? ऐसा क्या हुआ कि उन्हें स्त्री रूप लेना पड़ा? इसकी कहानी काफी रोचक है, जो माता पार्वती एवं अंधक नामक एक दैत्य से जुड़ी है। तो आइए इसका श्रवण करते हैं। एक बार अंधक नामक दैत्य माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाने का इच्छुक हुआ। अपनी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसने जबरदस्ती माता पार्वती को अपनी पत्नी बनाने की कोशिश की, लेकिन माँ पार्वती ने मदद के लिए अपने पति शिव जी को बुलाया। अपनी पत्नी को दैत्य से बचाने के लिए भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और राक्षस के आर पार कर दिया, लेकिन वह राक्षस अंधक मरा नहीं, बल्कि जैसे ही उसे त्रिशूल लगा तो उसके रक्त की एक एक बूंद एक राक्षसी अंधका में बदलती चली गई। भगवान को लगा कि यदि उसे हमेशा के लिए मारना हो तो उसके खून की बूंद को जमीन पर गिरने से रोकना होगा। माता पार्वती को एक बात समझ में आई। वे जानती थी कि हर एक दैवीय शक्ति के दो तत्व होते हैं। पहला पुरुष तत्व, जो उसे मानसिक रूप से सक्षम बनाता है, और दूसरा स्त्री तत्व, जो उसे शक्ति प्रदान करता है। इसलिए पार्वती जी ने उन सभी देवियों को आमंत्रित किया जो शक्ति का ही रूप है। ऐसा करते हुए वहां हर दैवीय ताकत की स्त्री रूप आ गई, जिन्होंने राक्षस के खून को गिरने से पहले ही अपने भीतर समा लिया। फलस्वरूप अंधक के स्त्री रूप में अंधका का उत्पन्न थोड़ा कम हो गया, परंतु समाप्त नहीं हुआ। तब लिया गणेश जी ने स्त्री का रूप, लेकिन इस सब से भी अंधक के रक्त को खत्म करना संभव नहीं हो रहा था। आखिर में गणेश जी ने अपने स्त्री रूप वैनायकी में प्रकट हुए और उन्होंने अंधक का सारा रक्त पी लिया। इस प्रकार से देवताओं के लिए अंधका का सर्वनाश करना संभव हो गया। गणेश जी की वैनायकी रूप को सबसे पहले 16वीं सदी में पहचाना गया। उनका यह स्वरूप हूबहू माता पार्वती जैसा प्रतीत होता है। अंतर केवल सिर का है, जो गणेश जी की तरह ही गज के सिर से बना हुआ है। आशा करती हूँ आज की ये गणेश जी की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो नीचे बने कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलेंगे ऐसी ही सुंदर कथाओं के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री गणेश।